नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पेन ईयर बाय में अपना अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आप इसमें अकाउंट को क्रिएट करके बहुत सारे काम करके महीने का हज़ारों रुपये कमा सकते हैं। जैसे कि आप इसमें बैलेंस विड्रॉ कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे आप बिल पेमेंट कर सकते हैं और भी यहाँ पे बहुत सारे सुविधाएँ दी गई है। तो ये सब आप सारा काम करके महीने का हज़ारों रुपये कमा सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप इसमें अकाउंट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ऐप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चाहे तो आप इसको प्ले स्टोर में सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर में डाउनलोड करने के लिए आपको सर्च करना होगा पेन ईयर बाय, उसके बाद इंस्टॉल करके आपको ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको स्किप देखने के लिए मिल जाएगा, चाहे तो आप इसको यहाँ से स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे साइड में नेक्स्ट का भी ऑप्शन है, आप इसको नेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको गेट स्टार्ट का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अगर अकाउंट बनाएं तो यहाँ से आप लॉगिन कर लेंगे। अगर आप न्यू अकाउंट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डालेंगे। जो आप अकाउंट बनाने के लिए मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डाल देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर को डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको सर्चिंग ले लेगा, उसके बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है दिस मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर विथ यस रजिस्टर नाउ टू अर्न 2 लाख पर ईयर। इसमें आपको बता रहा है कि यह मोबाइल नंबर जो है आपका पेन ईयर बाय में रजिस्टर नहीं है, आप इसमें रजिस्टर करके सालाना 2 लाख रुपये कमा सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे आपको इसमें टिक कर देना है, उसके बाद यहाँ पे ज्वाइन पेन ईयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने अकाउंट बना लिया तो यहाँ से आप नीचे लॉगिन भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे न्यू अकाउंट बनाना चाहता हूँ, तो मैं ज्वाइन पेन ईयर बाय के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है लोकेशन ईमेल एंड फोन परमिशन रिक्वायर्ड। यहाँ पे कुछ पेन ईयर बाय की तरफ से लोकेशन अलाउ करने के लिए बोल रहा है, तो मैं यहाँ से अलाउ कर देता हूँ। अलाउ करने के बाद यहाँ से आपको वाइल यूजिंग द ऐप के ऊपर क्लिक कर देना है, उसके बाद फिर से अलाउ कर देना है। अलाउ कर देने के बाद यहाँ पे आपको थैंक यू का ऑप्शन आ जाता है, आपको थोड़ा यहाँ पर वेट कर लेना है। वेट करने के बाद यहाँ पे सर्चिंग कुछ ले रहा है, आपको थोड़ा फिर से वेट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे वेट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक अपना ईमेल आईडी को सिलेक्ट कर लेना है, तो चलिए मैं यहाँ पे ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक मोबाइल नंबर पर OTP सेंड किया जाएगा, उस OTP को यहाँ पे डाल देना है। तो तब तक हम वेट कर लेते हैं OTP आने तक। तो देख सकते हैं मेरे मोबाइल में जो है OTP आ चुका है, मैं उस OTP को यहाँ पे डाल देता हूँ। OTP डालने के बाद नीचे आपको यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन का ऑप्शन आ गया, उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको डिजिटल प्रधान का ऑप्शन आ रहा है, उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको लॉग इन इन नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक पासवर्ड चला गया होगा, पासवर्ड जो होगा आपका मोबाइल नंबर ही होगा जो आपने अभी डाला था। तो चलिए मैं यहाँ पर लॉग इन कर लेता हूँ। लॉग इन करने के आपको यहां पे लॉगिन इन नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहां पे आपको मोबाइल नंबर डाल देना है जो आप रजिस्टर करने वक्त डाले थे। तो चलिए मैं यहां पे मोबाइल नंबर डाल देता हूं। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे अपने आप सर्चिंग ले लेगा, उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड जो पहली बार में रहेगा आपका मोबाइल नंबर ही रहेगा, वो आप पासवर्ड यहाँ पे डाल देंगे। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे चाहे तो आप फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं, आप इसमें न्यू पासवर्ड भी बना सकते हैं। तो चलिए मैं फिलहाल वही पासवर्ड डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको एक्सेप्ट कर लेना है, उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ा यहाँ पर वेट कर लेना है, उसके बाद उस नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, उस OTP को यहाँ पर डाल के सबमिट कर लेना है। OTP डालने के बाद नीचे यहाँ पे आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे ही सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको एक पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है। आप पासवर्ड यहाँ से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। पासवर्ड सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको ओल्ड पासवर्ड डाल देना है, आपने जो अभी लॉगिन करते वक्त डाला था मोबाइल नंबर वही आप मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर भी डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको इंटर न्यू पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप पासवर्ड डाल सकते हैं।
पासवर्ड में यहाँ पे आप अल्टरनेट अपर केस लेटर भी डाल सकते हैं, उसके बाद एक नंबर भी डाल देना है, उसके बाद स्पेशल करेक्टर भी यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना। तो चलिए मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एक डाल देता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद नीचे यहाँ पे आपको री इंटर न्यू पासवर्ड पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपको पासवर्ड को कंफर्म कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे पासवर्ड सेलेक्ट कर लिया हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस फिर से आ जाता है, यहाँ पे आप न्यू पासवर्ड डाल के लॉग इन कर लेंगे जो अभी आपने पासवर्ड को बनाया था। तो चलिए मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल के लॉग इन कर लेता हूँ। पासवर्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अब लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे इंटर योर नाम डाल देना है, उसके बाद यहाँ पे आप बिजनेस सेलेक्ट कर सकते हैं, आप शॉप का यहाँ पे नाम डाल देंगे। शॉप का नाम डालने के बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट शॉप टाइप में सेलेक्ट कर लेना है आपका शॉप किस के रिलेटिव यहाँ से है, जैसे कि यहाँ पे आपको जनरल स्टोर है, उसके बाद यहाँ पे एन ए लिखा हुआ, मोबाइल रिचार्ज और भी यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है। आपको इसमें से जिस भी कैटेगरी का शॉप है यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ से आपको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे आ जाता है, इसके बाद नीचे यहाँ पे स्किप का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप स्किप कर सकते हैं। स्किप करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन का ऑप्शन आ चुका है, उसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ रहा है योर पे नियर बाय अकाउंट इज नॉट लाइव, यू आर ए ट्रैक योर ग्रो इनकम इट नॉन स्टॉप। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपका अपग्रेड नाउ का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से सबसे पहले आप पैकेज को अपग्रेड कर लेंगे, उसके बाद यहाँ से आप काम कर सकते हैं। अपग्रेड करने के लिए यहाँ पे आपको अपग्रेड एंड अर्न के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको थोड़ा वेट कर लेना है। वेट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार के यहाँ पे आपको कमीशन दिया जा रहा है। देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे आपको अगर आप डीजी स्मार्ट ट्रांसफ़र डेली का 3000 करते हैं तो इसमें आपको डेली का अर्निंग जो है 18 रुपया आ जाता है, 18 रुपया 60 पैसा। उसके बाद मनी ट्रांसफ़र आप डेली का 4200 रुपया करते हैं तो यहाँ पे आपको 20 रुपया 16 पैसा जो है अर्निंग आ जाता है। इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको अगर डेली का 500 रुपये का टिकट आप बस का करते हैं तो यहाँ पे आपको 28 रुपये का जो है यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन दिया गया, यहाँ से आप क्वांटिटी को भी बढ़ा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे भी और भी बढ़ा सकते हैं। अगर यहाँ पे जितना भी बढ़ाएंगे यहाँ पे आपका मंथली इनकम भी यहाँ से बढ़ते जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पूरा आप सर्विस का चार्ट देख सकते हैं किसमें आपको कितना रुपये मिल जाता है डेली करने पर। उसके बाद यहाँ पर आपको अपग्रेड नाउ का ऑप्शन है, यहाँ से आपको कर देना है। अब जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपग्रेड पैकेज का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल आईसीटीसी सर्विस, अगर आप इसको अपग्रेड करते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपको डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र का ऑप्शन मिल जाता है, रिचार्ज का ऑप्शन मिल जाता है, बिल पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है और बस बुकिंग का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक्सेप्ट कार्ड पेमेंट्स का भी ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप कार्ड से भी पेमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको AEPS आधार ATM का भी ऑप्शन मिल जाता है, आप इसमें से कस्टमर को आधार कार्ड से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं और किसी कस्टमर को ATM के द्वारा भी यहाँ से पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद नीचे यहाँ पे आपको माइक्रो ATM सर्विस का भी ऑप्शन मिल जाता है, इसके अलावा यहाँ पे आपको IRCTC ID भी यहाँ पे मिल जाता है जिससे यहाँ पे आप ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको गेट सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, अगर आप नहीं लेना चाहते यहाँ पे बगल में भी और ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे आपको दूसरा जो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन फी है 3600 रुपया, इसमें आपको डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र मिल जाता है, रिचार्ज मिल जाता है, बिल पेमेंट मिल जाता है, बस बुकिंग मिल जाता है, एक्सेप्ट कार्ड पेमेंट मिल जाता है, APS आधार ATM मिल जाता है, फिंगर स्कैन डिवाइस मिल जाता है, उसके बाद माइक्रो ATM सर्विस भी मिल जाता है। इसमें जो है एक एक्स्ट्रा जोड़ा गया जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं फिंगर स्कैन डिवाइस, इसमें आपको एक फिंगर स्कैन का डिवाइस जो है यहाँ पे आपको बाय पोस्ट इस एड्रेस पे सेंड कर दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप 1000 भी यहाँ पे सब्सक्रिप्शन फी ले सकते हैं, इसमें आपको डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र का ऑप्शन मिल जाता है, रिचार्ज का ऑप्शन मिल जाता है, बिल पेमेंट ऑप्शन मिल जाता है, बस बुकिंग का ऑप्शन मिल जाता है, एक्सेप्ट कार्ड पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, APS आधार ATM का ऑप्शन मिल जाता है और माइक्रो ATM सर्विस का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसमें आपको फिंगर स्कैन डिवाइस आपको नहीं मिलता है, अगर आप इसको लेना चाहते हैं यहाँ पे ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई सब्सक्रिप्शन फी लेना नहीं चाहते तो यहाँ पर इसके लिए फ्री का भी ऑप्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्री में क्या क्या कर सकते हैं। फ्री में सबसे पहले आप रिचार्ज कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, बस बुकिंग कर सकते हैं और
बाय नियर बाय कर सकते हैं। इसमें आपको यहाँ पे मनी ट्रांसफर की ऑप्शन नहीं मिलती है और आधार एटीएम की सुविधा यहाँ से आपको नहीं मिलती है। आप इसमें से जो सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, आपको इसमें जो सब्सक्रिप्शन अच्छा लगे वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको गो होम के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे ही गो होम के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपको जिसके ऊपर यहाँ पे कर्सर बता रहे उसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करते जाना है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पे आपको इसके ऊपर भी क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको पेनियर बाय का यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ से सबसे पहले आप अकाउंट को सेटअप करने के लिए आप थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, इसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डाल लेना है, इसके नीचे आपको ईमेल आईडी डाल देना है, उसके बाद यहाँ पे शॉप का जो है लोकेशन डाल देना है, उसके बाद आई एग्री करके सबमिट कर देना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपको कन्फर्म नेम पर पैन, यहाँ पे आपको नाम को कन्फर्म कर लेना है। अगर आपका नाम कन्फर्म है तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार का फिर से इंटरफेस यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद आपको फिर से थ्री डॉट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे माय प्रोफाइल आप देख सकते हैं। इसमें आपको एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे पेंसिल के आइकन पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको केवाईसी का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे सबसे पहले आप अपना केवाईसी कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको बैंक में आ जाना है। बैंक में आने के बाद यहाँ पे आपको एक बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। आप जो यहाँ से बैलेंस को विड्रॉ करेंगे आप इसी बैंक अकाउंट में यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप मिनिमम में इसमें आप तीन बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे फिलहाल एक बैंक अकाउंट को लिंक कर देता हूँ। लिंक करने के लिए यहाँ पे आपको ऐड बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना है, नीचे यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर कंफर्म कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अकाउंट होल्डर का नाम डाल देना है, बैंक का नाम डाल देना है, उसके बाद यहाँ पे आईएफएससी कोड डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबमिट करने के लिए यहाँ पे आपको ट्रेड बैलेंस में आपको यहाँ पे ₹4 ऐड कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आप अकाउंट को सबमिट कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार से पे नियर बाय में अकाउंट अपना क्रिएट कर सकते हैं, इसके बाद यहाँ पे अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको पे नियर बाय यूज़ करने के लिए नहीं आता है तो मैंने इसके लिए एक कंप्लीट वीडियो मैंने बना के रख दिया है। इसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देख के पे नियर बाय आपको कैसे यूज़ करते हैं आप इसमें सारा जो है डिटेल्स जान सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बैलेंस इंक्वायरी, मैंने इसमें सारा डिटेल्स आपको क्लियर कर दिया है। तो आप उस वीडियो को देख के ये सब कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।